राजधानी रायपुर की ही ओर रुख करेंगे। जो आज से बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है। तो बता दें, ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा रायपुर में ये बैठक हो रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद हैं। जी हां, बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा की जा रही है। तो बड़ी बैठक है, आपको बता दें कई मायने भी है इस बैठक के, जहां पर समीक्षा की जा रही है सभी विभागों की। अब सभी विभागों पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं मंत्री। तो ठाकुर प्यारे लाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान में इस बैठक का आयोजन किया गया है, समीक्षा बैठक है, जायजा ले रहे हैं सभी विभागों का यहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। आपको बता दें कि कौन से विभाग में कितना काम हो रहा है, कौन से विभाग में कितना काम बचा हुआ है, कौन सा जो विभाग है, कौन सी जो योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के सभी सीईओ यहां पर मौजूद है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, बड़ी बैठक ली जा रही है, कई मायनों में ये बड़ी बैठक है क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। खोमन, क्या कुछ जानकारी? देखिए महिमा, आज बैठक जो शुरू हुई है, बैठक में पूरे प्रदेश भर के अधिकारी मौजूद हैं जो सरकार की योजना को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। आज की बैठक में समीक्षा की जा रही है कि छः आठ महीनों में सरकार का कार्यकाल है, उसमें सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात की जाए, नल जल योजना की बात की जाए, या अन्य तरह की जो योजना सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उस पर किस तरीके का अब तक जो है काम किया गया है, आने वाले दिनों में किस तेजी से काम करना है, क्या क्या ऐसे बिंदु है, क्या क्या ऐसे कुछ कमियां हैं जिसको सुधार करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे जो योजना है उसको आगे बढ़ाना है, उसको लेकर आज बैठक रखी गई है। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों को बुलाया गया है। खुद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तमाम अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। अगर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की समस्याएं आती है तो उसको भी हल करने का काम करेंगे। और यही कारण है कि पिछले 2 घंटे से वो बैठक चल रही है। बैठक के बाद सरकार चाह रही है कि जो सरकार की योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और यही कारण है बैठक में लगातार समीक्षा की जा रही है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तो बैठक में लगातार समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से 6 महीनों में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में इन विभागों में। इस तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।